गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने जो है कि पढ़ा था क्लास सिक्स मैथ का अभ्यास एक ए का प्रश्न नंबर एक। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास एक ए का प्रश्न नंबर दो। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर दो में लिखा है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। उसमें अंकों में हमने लिखा था और इसमें जो है कि शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर अंकों में लिखा हुआ है और इसको हमें जो है कि शब्दों में लिखना है। तो चलिए अब हम इसको पहले सबसे पहले प्रश्नों को उतार लेते हैं, फिर इसको हल करके दिखाते हैं कि कैसे शब्दों में इसको लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसको उतार लिया है और अब हम इसको शब्दों में लिखने वाले हैं। तो पहले क्या लिखा है यहाँ पर, 7019। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है 7019। तो हम इसको लिख लेते हैं हिंदी में यानी शब्दों में, सात, ये पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, रुकिए इसको थोड़ा सा हम, हाँ अब चलने लगा, सात, ये हो गया सात, और 7019 ना। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 7019। चलिए ये हमारा हो गया पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है 23013। यहाँ पे दूसरा नंबर पे हमारा लिखा है 23013। तो लिख लेते हैं हम इसको तेईस हजार तेरह। चलिए ये हमारा दूसरा भी जो कि सॉल्व हो चुका है। अब हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे में हमारा क्या लिखा है, 69379। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 69379। इसको थोड़ा सा चलिए ये भी तीसरा भी जो है कि ये प्रश्न जो है कि तीसरा वाला भी जो है कि सोल्व हो चुका है एकदम बहुत आसान तरीके से। और अब हम चौथे की अगर बात कर लेते हैं तो चौथे में लिखा है 8,21,50,000,10,000,00,000। तो लिखा है 8,93,59,000, 8,93,59,000। ठीक है, 8,93,59,000। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब इसको भी लिख लेते हैं 8,93,59,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए मैं एक आपको और बात बोल देता हूँ, जैसे यहाँ पर हमारा थोड़ा सा स्पेस बचा है तो हमने इसको नीचे लिख दिया है। तो आप लोग भी अपने किताब में इधर थोड़ा मोड़ा स्पेस बचता है तो इधर मत लिखिए, इससे आपका राइटिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपका राइटिंग खराब लगने लगता है। तो आप उसको यहाँ ना लिख करके यहाँ पर लिखेंगे फेयर में अपने, ठीक है, रफ होता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फेयर में आपको स्पेस दे देकर लिखना है और साफ अक्षरों में लिखना है, आपका कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब हमारा जो है कि प्रश्न नंबर अ सॉल्व हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर ब की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर ब में दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यानी नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आपको नीचे कुछ वाक्य आए हैं, आपको इनको शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा है तो इस कहानी को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, ठीक, और 1,000 जीवाणु कोष में 21,25,50,000,10,00,000,10,00,000 बैक्टीरिया जीवाणु तथा 21,25,50,000,10,00,000,10,00,000,00,000 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो यही आपको लिखा है, तो आपको इसको अंकों में और शब्दों में लिखना है।
यहाँ पे लिखा है नीचे लिखे वाक्यों को आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखे, तो इन संख्याओं को सबसे पहले हम उतार लेते हैं। तो चलिए अपने फेयर में चलते हैं और यहाँ पर हमने चलिए अब हमने यहाँ पर प्रश्नों को अपने फेयर में उतार लिया है, अब इसको हम हल करते हैं। तो ऐसे आप भी उतार सकते हैं अपने फेयर में या फिर रफ कर रहे हैं तो रफ में। हम तो छात्रों को सदैव बोलते हैं कि पहले आप जो है कि करें, आप रफ करें फिर उसके बाद फेयर करें, जिससे दो तीन बार आपको रिपीट करने से आपको ये गणित याद हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर ये 100 है, आपको 100 तो लिखने आएगा ना आपको 100 लिखने। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, एक 100। चलिए ये वाला 100 हो गया हमारा। अब ये क्या लिखा है, 1000, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 1000। चलिए ये 100 है तो 100 हमने लिख दिया। यहाँ पर ये क्या है, 1000 है तो हमने 1000 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 10 लाख, तो ये 10 लाख लिखा है। ठीक, तो इसको भी हम जो है कि लिख लेते हैं 10 लाख। चलिए यहाँ पर अब लिख लेते हैं हम 10 लाख। चलिए ये भी हो गया। अब लास्ट वाला हमारा लिखा है करोड़, तो इसको भी लिख लेते हैं 1 करोड़। एक करोड़, चलिए ये भी हो गया हमारा। यहाँ पर ये 100 है तो 100 हमने लिख लिया, और यहाँ पर हमारा 1000 है तो 1000 हमने लिख लिया, और यहाँ पर 10 लाख है तो 10 लाख लिख लिया हमने, और यहाँ पर 1 करोड़ है तो इसको 1 करोड़ लिख लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। तो यहाँ पर हमारा जो है कि प्रश्न नंबर दूसरा का जो है कि अ और ब दोनों जो है कि सॉल्व हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे को पढ़ेंगे।